नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जॉब अलर्ट गुरु में। अग्निपथ नौसेना भर्ती 2022 की घोषणा हो गई है और अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए नेवी में ऑनलाइन फॉर्म भरने बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। अग्निपथ इंडियन नेवी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए नेवी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके लिए आप सभी यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। इंडियन नेवी की इस अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 200 दी गए। हम पूरा डिटेल के साथ में अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम डिटेल बता देते हैं कि अग्निवीर इंडियन नेवी में एमआर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, कितनी फीस देनी होगी। विभाग का नाम है इंडियन नेवी। कुल पद है 200। इस पद का नाम है अग्निवीर एमआर, जिसमें महिला और पुरुष अविवाहित तो दोनों भर सकते हैं। आवेदन की फीस है ₹60 प्लस जीएसटी। आयु सीमा 1 दिसंबर 1999 से लेकर 31 मई 2005 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 10वीं पास है। आवेदन की दिनांक 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का एग्जाम नवंबर 2022 में होगा। भारतीय नौसेना अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए फिजिकल क्या होगा, किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए एग्जाम में सिलेबस क्या होगा। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए टोटल 200 पोस्टों पर महिला और पुरुष के फॉर्म भरे जाएंगे। अग्निवीर एमआर पोस्ट पर साल के 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी और 4 साल की ये नौकरी होगी। और अब हम आपको बताते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पर 1600 मीटर की रेस होगी, जो पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड में पास करना होगा। उठक बैठक होंगे 20 पुरुषों के लिए, वहीं पुशअप होंगे पुरुषों के लिए 12, वहीं महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस पार करनी होगी। उठक बैठक 15 महिला के होंगे, पुशअप नहीं होंगे और सिटअप्स होंगे महिलाओं के लिए 10। अब हम आपको बता दें कोलेटर कैसे जारी किया जाएगा। 10वीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिनके परसेंटेज ज्यादा होंगे उन्हीं को कोलेटर जारी किया जाएगा। अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मिनिमम हाइट महिलाओं की 152 सेमी रखी गई है और पुरुषों की 157 सेमी रखी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा। अगर आपका कोलेटर जारी हो जाता है उसके बाद में एग्जाम होगा, तो एग्जाम में किस टाइप के पर्सन पूछे जाएंगे। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए एग्जाम सिलेबस जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। लिखित परीक्षा के निर्देश पर हम बात करें तो नौसेना में शामिल होने के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में 10वीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा निर्धारित केंद्र पर घोषित तिथि और समय पर आयोजित की जाती है। प्रश्न पत्र 2 भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि एबसेद होंगे। प्रश्न में 2 खंड होंगे, अर्थात विज्ञान और गणित, सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र का मानक 10वीं स्तर का होगा, यानी कि 10वीं के स्तर का प्रश्न पत्र आएगा। साथ ही परीक्षा का पाठ्यक्रम डाउनलोड अनुभाग में जाकर आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि होगी 30 मिनट की और उम्मीदवारों को सभी वर्गों के साथ साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। और ये पूरा पेपर आएगा वो 10वीं के स्तर का होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए इंडियन नेवी में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, यानी कि अग्निपथ योजना की अभी स्टार्ट हुए हैं तो पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अग्निपथ योजना में चाहे इंडियन नेवी में फॉर्म अप्लाई करें या फिर आर्मी में या फिर आप वायुसेना में अप्लाई करें, आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अग्निपथ योजना की अभी स्टार्ट हुए हैं, पहला ही वर्ष है, पहली ही भर्ती है, इसलिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में एक कोड टाइप कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानने को सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सरकारी और प्राइवेट हर जॉब की जानकारी मिल सके। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर पोस्ट के लिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल विचार था, आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका जय हिंद, वंदे मातरम।